दादा भाई, घबराइए मत। साधारण वेशभूषा में देकर क्या पता आचार्य जी का आप पर वो गुफा वाला गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। बाकी वहां तो उन्होंने आपको साफ साफ बोल ही दिया था कि आप जैसे को वो कभी अपना शिष्य न बनाए। शक्ति धीरे बोलिए, कल जो हुआ उसका पता दाजीराज को नहीं चलना चाहिए। गवा क्यों रहे हो दादा भाई? हमको भी विश्वास में आनंद मिल रहा है, उसको गवाना नहीं चाहते हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं। बस एक ही इच्छा बार बार कर रहा है कि देखें क्या होगा जब आश्रम में आप और आचार्य जी आमने सामने होंगे। दाजीराज, ये सब कौन? शक्ति, गुरु के आश्रम का वातावरण ऐसा ही होता है। आप लोग कौन हैं तथा किससे मिलने हैं श्रीमान? हम लाड़ा उदय सिंह और यहाँ आचार्य राघवेंद्र जी से मिलने आए। क्षमा करें महाराज, यदि आपको हमारे आचार्य जी से मिलना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हमारे आचार्य अभी ध्यान कर रहे हैं। उनका ध्यान पूर्ण हो तब तक यदि आप चाहें तो हमारा आश्रम देख सकते हैं महाराज। बालक, आप मेवाड़ के राणा को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं? कृपया धीरे सुर में बोलिए श्रीमान, शोर से हमारे गुरुजी का ध्यान भंग हो सकता है। सुरतन सिंह जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज हम यहाँ मेवाड़ के राणा की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से आए हैं, अपने बच्चों को इस आश्रम में प्रवेश करवाने के लिए। दाजीराज, आचार्य जी तो केवल अपने हाथों पर ही उल्टे खड़े हैं। ध्यान करने की कितनी अद्भुत मुद्रा है। मेवाड़नाथ, आप हमारे आश्रम पधारे, ये हमारे आश्रम के लिए बड़े गर्व की बात है। आइए ना, जब तक हमारे गुरुजी अपना ध्यान पूर्ण करें मैं आपको हमारा आश्रम दिखाता हूँ। आइए। सुनिए, हम आचार्य जी की ध्यान मुद्रा पास जाकर देख सकते हैं? हम उनके ध्यान में बिल्कुल भी विघ्न नहीं डालेंगे और उनसे थोड़ा दूर ही रुक जाएंगे। ठीक है, परंतु आपको अपनी मुद्रियाँ यही उतारनी पड़ेंगी और वहाँ जाकर एकदम शांत रहिएगा। गुरुजी के ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, बस। ठीक है। क्या मुझड़ियां उतारनी पड़ेंगी? भाई शक्ति, जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लीजिए। चलिए महाराज, चलिए। आप यहाँ शांति से खड़े रहिए, आचार्य जी के ध्यान में विघ्न पड़ सकता है। पर वो ततैया, हम निवेदन करते हैं आपसे, शांत शांत। ठीक है, शांत। शांत।
अरे भाई सुनिए, ये ततैया, अरे आचार्य जी, अज्ञानी बालक, तुमने हमारा ध्यान तोड़ने का तो साहस किया है।